स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 21 मई, सी 21 जून, डी 21 जुलाई। आंसर बी 21 मई। एक्सप्लेनेशन, 21 मई 2024 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिनकी 21 मई 1991 को श्रीपेरुम्बुदूर गांव चेन्नई के पास में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE के आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ITV कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 22 जून। आंसर सी 22 मई। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ITV प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ये 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD को अपनाने की याद दिलाता है। जैव विविधता दिवस 2024 का विषय योजना का हिस्सा बने है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 39वां, बी 49वां, सी 59वां, डी 69वां। आंसर ए 39वां। एक्सप्लेनेशन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 TTDI 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया है। TTDI 2024 पर भारत की रैंक सुधर कर 39वें स्थान पर पहुंच गई है, जो दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? ए नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन, बी जर्मनी, ग्रीस और इटली, सी नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस, डी नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। आंसर डी नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। एक्सप्लेनेशन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम में फिलिस्तीन को स्टेट देश का दर्जा दे दिया है। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने अपने फैसले में कहा कि 28 मई से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगला प्रश्न, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई नहीं। आंसर ए स्वर्ण। एक्सप्लेनेशन, भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीप्ति ने पेरिस में चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी ब्रीना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड 55.12 सेकंड को तोड़ दिया। तुर्की की आयसेल ओंडर 55.19 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही।